चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। जडेजा के बाद अजिंक्य रहाणे का दिखा जलवा। आईपीएल के 16वें सीजन के 12वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा। उसे चिर प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर सीजन में दूसरी जीत हासिल की। 3 मैचों में चेन्नई की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था। पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो सीजन में उसकी लगातार दूसरी हार है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शिकस्त दी थी। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे ने तूफानी प्रदर्शन किया। जडेजा ने गेंदबाजी में 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं रहाणे ने बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंद पर अर्धशतक लगाया। उन्होंने चेन्नई को तूफानी शुरुआत दी। इसका फायदा टीम को मिला। उसने आसानी से रन चेस कर लिया। रहाणे और ऋतुराज की शानदार पारी। रहाणे ने 27 गेंद पर 61 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने 225.93 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 गेंद पर नाबाद 40 रन बनाए। शिवम दुबे ने 26 गेंद पर 28 और अंबाती रायुडू ने 16 गेंद पर नाबाद 20 रन बनाए। देवोन कॉनवे खाता नहीं खोल सके। मुंबई के लिए जेसन बहरेंडॉफ, पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय ने एक एक विकेट लिए।